हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोहित बाजी। और आई होप आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ और हम सब भी अच्छे हैं। मेरे साथ हैं सूरज त्राटक भाई और रंजना, और पीछे बैठी हैं जागृति, जो कि आज हमसे जरा कम बात कर रही हैं, नाराज हैं पता नहीं किसी बात से। हाँ, तो अभी हम लोग आज जा रहे हैं अपने दोस्त अपने भाई गौरव भट्ट, जो आरजे गौरव है रेड एफएम में, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो अभी निकल गए हैं और अभी आगे रास्ते में सबको दिखाते हुए जाएंगे और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी दिखाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, तो अभी हम पहुंच चुके हैं कर्णाताल और ओकेजन बताओ, आज ओकेजन आज हमारे गौरव भाई का बर्थडे और ये रे बर्थडे वो है। यो यो, अभी इनफैक्ट 12 ही बजे है। यस, और एग्जैक्ट 12 बजे हम वीडियो भी बना रहे हैं और अब केक कटिंग सेरेमनी चलने वाली है। ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, अभी पहाड़ियों को ठंड नहीं लग रही, सुना नहीं ना हमने। तो अभी हम केक वेक काटेंगे और गौरव भाई का बर्थडे है, आरजे गौरव फ्रॉम रेड एफएम। और थैंक यू वैसे रोहित भाई आने के लिए, और भाई भाभी बहुत लोग यहाँ पर हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और अब ये जगह कौन सी है गौरव भाई, ये बता। फुल मून कॉटेजेस है कनताल में, मतलब बिल्कुल एकदम मेन रोड पे ही है, आप आओगे आपको इजिली मिल जाएगा फुल मून कॉटेजेस कनताल, गूगल पे डालोगे मिल जाएगा। करेक्ट। और अभी हम जा रहे हैं और उम्मीद तो पूरी है कि मजा आने वाला है अभी नीचे पहुंच के, तो लेट्स गो। हाँ जी, तो अभी हम आ गए हैं ये जो कॉटेजेस हैं, और मेरे साथ आप देख रहे होंगे सूरज त्राटक जी भी हैं। ठंडा खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त ठंडा हो रहा है, मजेदार, मतलब बहुत मजा आ रहा है। और ये आउटसाइड भी दिखा रहा है, ये ऐसे कॉटेजेस हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मजेदार कॉटेजेस है, देखिए। और मौसम भी खतरनाक ठंडा हो रहा है, फिलहाल तो इतना नहीं लग रहा, बट देहरादून से आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये कॉटेजेस हैं, और भाई सुनो थोड़ा गर्म पानी कर दो पीने के लिए। और ये कॉटेज है, और ये देखिए बिजली भी फुल चमक रही है, खतरनाक। तो गौरव भाई जी, मजे बांध दिया यार आपने, मजा हमारे बर्थडे बॉय। और sure. अभी केक नहीं कटा है, अभी केक वाली सेरेमनी रह रही है, सब में बटेगा। इसी के साथ गौरव भाई ने स्वीट 30 पर प्रवेश कर लिया है। हैप्पी बर्थडे टू पालो में नहीं, गरम गरम केक आपकी। गाइस हम लोग ऑलमोस्ट केक काट चुके हैं और बस हम लोग अब फिर डिनर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ। ऑलमोस्ट अभी 1 बज रहा है और आप देख सकते हो हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और यस यस यस, रैपर वर्सेस आरजे टेबल टेनिस मैच चल रहा है, देख सकते हो। वर्सेस नश्वर, ओह भाई साहब। गौरव भाई बताओगे टाइम कितने टाइम हो रहा है और आप कितने बजे खेल रहे हो? ये अभी नहीं, पौने एक नहीं, 12:16 हो रहा है, 17 होगा भाई, झूठ मत बोलो, 12:47 हो गया। यस, बात करिया मुझसे चाहे आंखों का पैगाम न ले, फिर ये मत कहना पगले, मुझे देखना ना
गौरव भाई की खुशी। तुझसे मेरा दीन धर्म है, तुझसे मेरी जुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, तुझसे मेरी जुदाई। तू बोले तो बन जाऊं मैं भुल्ले शाह सौदाई। यहाँ पे अब हो गई है बहुत 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 ज्यादा ठंड और हम लोग अब जा रहे हैं रूम पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा है और सबकी हो गई है हालत खराब और हम लोग जा रहे हैं अब रूम पे। मैं जानता हूँ, मैंने देखा नहीं है। सो गाइज, हम लोगों की मॉर्निंग हो गई है। रात को हम लोग 5 बजे सोए थे और बहुत अच्छा फील। मैं सबसे पहले आपको ये सब व्यू दिखाने लेकर आई हूँ। ये हमारे कॉटेजेस थे यहाँ पे और बहुत 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 सुंदर व्यू। हम लोग मॉर्निंग पर्सन तो नहीं है, मतलब मैं रोहित तो फिर भी मॉर्निंग पर्सन है, बट मैं नहीं हूँ मॉर्निंग पर्सन। बट जो लोग मॉर्निंग पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छा ये, मतलब अगर आप सुबह उठते हो ऐसी जगह में तो गो फॉर मेडिटेशन, योगा और ये सब आप कर सकते हो। अभी हम लोग तैयार होंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और अब हम लोग मे बी फिर 2-3 घंटे बाद हम लोग देहरादून निकल जाएंगे। फिर देखते हैं क्या करते हैं। हमें जाते समय एक अपने गाने की लोकेशन देखनी है तो वो भी अच्छा हो जाएगा और बहुत जल्द आपको गाना मिलेगा। मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि अभी जस्ट मैं अभी उठी, बाहर आई और मुझे ये व्यू दिखा और मेरे को बहुत मन करा आपके साथ शेयर करने का। सो गाइज, हम लोग ट्रैक पे आ रखे हैं और सुबह के बज रहे हैं 7:30 या 8 और आपको एक बंदे से मिलाते हैं। आप लोग मिले होंगे उनसे और मीट रजत। पार्टी करेंगे, गौरव भाई का बर्थडे है। और रजत भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा और मैं इनसे मिल चुका हूँ, पहली बार मिल चुका हूँ रंजना से और रोहित से, लेकिन जो है बातचीत इस तरह से पहली बार हुई है, मतलब जो इंटरेक्शन होता है और एक दूसरे को पर्सनली हम लोग बैठे। हाँ, अभी हाल फिलहाल आज हमने चाय वाय पी, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा रोहित भाई के जो सुर थे भाई साहब, क्या टच कर रहे थे, बहुत मजा। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं काफी जो एक्सप्लोर करता रहता हूँ उत्तराखंड में, जगह जगह जाता हूँ, लेकिन जो रिजॉर्ट है, जो इसका नाम है, क्या नाम है इसका, फुल मून जो है कॉटेजेस के नाम से, बहुत अल्टीमेट प्रॉपर्टी और बहुत पीस है और एरिया काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ और जो उसका पूरा एड्रेस है वो रंजना जी जो है नीचे कमेंट में पिन कर देंगी। बहुत अच्छी जगह, लोकेशन बहुत अच्छी है और जो सर्विस है वो टॉप क्लास है, तो आप लोगों को ज़रूर आना है। बहुत अच्छा है यार, मतलब बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। यस 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 गाइज, ये नीचे आप टेंट देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो और आप जैसे ही सुबह उठेंगे और आपको एक बहुत प्यारा सा ट्रैक करने के लिए मिलेगा और हाँ, और आप संभल के जाइएगा और आप फिसल भी सकते हैं। तो हम लोग करते हैं ट्रैक और आपको बीच बीच में से दिखाते रहेंगे। गाइस, हमने एक पेड़ एक्सप्लोर करा है। ये रजत भाई ऑलरेडी इसका लुफ्त उठा रहे हैं। ये देखो यार, वाव, सुपर। इनका मीठा ना होने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अभी ये पके नहीं है, इसका सीजन जो 1-2 महीने बाद आएगा, मतलब जो तोड़ने का टाइम आएगा। पर मुझे लगता है कि इतना सक्सेस नहीं है, इतनी हाइट पे नहीं है ना, तो जो सेब जो होते हैं वो ज्यादा हाइट पे सक्सेस है। तो उसकी हाइट कितनी होगी? इन्हें एनवायरनमेंट भी नहीं मिल रहा होगा, 7,000 फीट होगी। तो मेरे ख्याल से अच्छे जो सेब होते हैं 9-10,000 फीट पे होते हैं, इसलिए शायद इतने छोटे रह गए। गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। हाँ, उत्तरकाशी साइड ज्यादा अच्छे होते हैं, जितनी ज्यादा हाइट होती है उतने अच्छे होते हैं। मैंने एक छोटा सा कोर्स किया था एप्पल के ऊपर, ये झूठ है वैसे। अरे नहीं, फार्मिंग पे किया है मैंने, कसम से, डिस्टेंस से किया था, ऑनलाइन किया था, थोड़ी नॉलेज है मुझे। वैसे जैसे ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई है ना, जैसे 12th में बच्चे बिना पेपर दिए पास हो गए, वैसे भाई की ऑनलाइन पढ़ाई का रिसर्च है। हाँ, एप्पल के लिए क्या आपको एनवायरमेंट चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, मैंने उस पर रिसर्च किया काफी सारा, मेरे रिसर्च पेपर भी आ रखे हैं काफी सारे। बट ये तो मीठा नहीं था, पर एक अच्छा सा लगता है ना सब कुछ खा के, ना देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए और मुझे लगता है ये वाला ब्लॉग हमारा बहुत ज्यादा लंबा होगा, तो हम आपको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर सब कीजिए और रोहितबाजी में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।